सर मैं परिंदे जैसा हूं, आजाद। मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। बड़े कमीने हो गए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी लड़की के जज्बात से खेलोगे। मैं पीटी टीचर हूं इंडिया, अखिलेश मिश्रा। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उसकी कमजोरी जानना जरूरी है, इसीलिए सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए उनके बीच जाना पड़ेगा। जितना दिमाग से तेज है उतना ही बदन से फिट। टाइगर श्रॉफ एक के बाद एक एक्शन मूवी करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है। इसके बावजूद टाइगर श्रॉफ को काम मिलते ही जा रहा है और वो एक के बाद एक एक्शन वाली फिल्में करते ही जा रहे हैं। लगभग एक साल पहले इनकी स्क्रूढ़ला फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन गणपत मूवी के फ्लॉप होने के बाद अब लोग चाहते हैं कि टाइगर श्रॉफ कुछ नया कंटेंट लेकर आए जिसमें एक्शन के साथ साथ उनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखने को मिले। लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी टाइगर श्रॉफ अब एक्शन मूवी ही करने वाले हैं। स्क्रूढ़ला मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों से इसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर ही टाइगर श्रॉफ ने एक्टिंग के नाम पर सिर्फ लात घूंसे ही चलाए। लेकिन अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्क्रूढ़ला है फिल्म में हमें क्या नया देखने को मिलता है। सुनने को मिल रहा है कि अभी इस फिल्म पर काम चल रहा है और आने वाले समय में हमें बहुत ही जल्द फिल्म के बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल जाएगा। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के अंदर बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि करण जौहर टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में कैसे दिखाते हैं। वहीं बात करें फिल्म की बाकी की कास्टिंग की, तो फिल्म की बाकी की कास्टिंग को लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ के साथ साथ शान्या कपूर जैसे और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें फिल्म में हीरोइन की, तो अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर एक एक्ट्रेस को दिखाया गया था, लेकिन उसके फेस को रिवील नहीं किया गया। लेकिन अब लोगों का मानना है कि वो रश्मिका मंदाना ही थी। आने वाले समय में हमें इसको लेकर भी कुछ पक्की खबर सुनने को मिल जाएगी। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक शशांक खैतान के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, और मेकर्स की तरफ से फिल्म की अनाउंसमेंट तो कर दी गई, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म की रिलीज डेट को भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन सुनने को मिल रहा है कि अभी तक इस फिल्म पर काम ही चल रहा है और बहुत ही जल्द फिल्म का कोई टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म की रिलीज डेट भी अपडेट हो जाएगी। लेकिन ये फिल्म हमें 2024 के अंदर ही देखने को मिलने वाली है और ये खबर पक्की है। वहीं बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो हर बार की तरह टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में भी एक्शन ही देखने को मिलेगा। बाकी फिल्म की स्टोरी को लेकर अभी तक कुछ रिवील नहीं किया गया है। वहीं बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट भी गणपत मूवी की तरह ही काफी बड़ा होने वाला है। स्क्रूढ़ला फिल्म का बजट 150 करोड़ रखा गया है, और अब देखना यह होगा कि इतने बड़े बजट के साथ टाइगर श्रॉफ क्या कमाल करते हैं और क्या ये मूवी गणपत मूवी की तरह फ्लॉप तो नहीं होगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है और आने वाले समय में। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।